आज बनाएंगे एकदम चटपटी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भरवा भिंडी। एकदम आसान है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भिंडी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। भरवा भिंडी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम भिंडी को अच्छे से धोकर सुखा लिया है और भिंडी के दोनों साइडों के किनारे मैंने काटकर हटा लिए थे। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अब हम बड़ी भिंडी के दो पीसेस काटकर इसमें बीच से चीरा लगा लेंगे। अगर छोटी भिंडी है तो उसको दो टुकड़ों में नहीं काटना है, ऐसे ही बीच में चीरा लगा देना है। चीरा लगाकर इनको चेक कर लें। अब हम भिंडी में भरने के लिए स्पेशल मसाला बनाएंगे। इसके लिए हमने एक पैन में एक बड़ा चम्मच जीरा, एक बड़ा चम्मच सौंफ, एक चौथाई चम्मच मेथी, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, एक चम्मच धनिया और एक चक्रफूल लिया है। धीमी आंच में इन मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए भून लीजिए। मसाले भून गए हैं, इन मसालों को ठंडे होने के बाद मिक्सर के जार में डाल देंगे। सेम पैन में 3 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन को हम धीमी आंच पर 6 से 7 मिनट के लिए भून लेंगे या जब तक बेसन में अच्छी खुशबू न आने लग जाए। हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून लेना है। बेसन का हल्का सा कलर चेंज हो गया है, ये अच्छे से भून गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हमने जो मसाले सेक रखे थे उन्हें हम मिक्सर के जार में डालकर पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमने मसालों को पीस कर तैयार कर लिया है। अब हम एक प्लेट में ये सारा भुना हुआ बेसन डाल देंगे, साथ ही ये पिसा हुआ सारा मसाला डाल देंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच हल्दी, एक छोटा चम्मच सब्जी मसाला, स्वादानुसार नमक, इनको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इन मसालों के बीच में थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। अब इसमें डालेंगे तेल। हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल को धुआं उठने तक गर्म किया, उसके बाद रूम टेम्परेचर पर आने के बाद मसालों में डाल दिया है। आप चाहें कच्चा तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो या अपनी पसंद का कोई भी तेल इसमें डाल सकते हो। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप इस मसाले का टेस्ट करके देख लीजिए, आपको नमक या कोई भी मसाला कम लगे तो आप इसमें डाल दीजिएगा। और नमक मुझे यहाँ पर कम लगा, 1/4 चम्मच मैंने और डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इस मसाले को भिंडी में इस तरह से भर देंगे। आप ये मसाला भिंडी बनाकर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब भरवा भिंडी बनकर तैयार होती है। आप इसे सफ़र के लिए भी बना सकते हो। हमने सारी भिंडी को भरकर तैयार कर लिया है। ये भरवा भिंडी मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। मीडियम हाई फ्लेम पर सरसों के तेल को धुआं उठने तक गर्म करेंगे। धुआं उठने लगे तो गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। जब तेल का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तब गैस की फ्लेम को ऑन कर दीजिए और इसे लो पर कर दीजिए। हम इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन डाल देंगे, हल्का सा भून लेंगे और हम इसमें सारी भरी भिंडी डाल देंगे। धीमी आंच पर पहले भिंडी को इस तरीके से ऊपर नीचे कर देंगे ताकि सारी भिंडी पर तेल अच्छे से लग जाए। और अब हम भिंडी को ढककर 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे या जब तक ये पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती है। धीमी आंच में पकाना है। हमें हर 2-3 मिनट के बाद भिंडी को इस तरीके से ऊपर नीचे करते रहना है ताकि भिंडी अच्छे से चारों तरफ से सॉफ्ट हो जाए। भिंडी को पकाते हुए हमें 10 मिनट हो गए हैं और भिंडी हमारी सॉफ्ट भी हो गई है। अब हम भिंडी को खुले में 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए, भिंडी हमारी सॉफ्ट होने में 12 से 13 मिनट का समय लगता है धीमी आंच पर। और ये लीजिए, हमने भिंडी 2 से 3 मिनट के लिए और पका लिया है और ये हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटी भरवा भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। आप इसे पूरी, पराठे, दाल चावल के साथ सर्व कीजिए। तो दोस्तों, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।
दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।